हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत के हर राज्य हर केंद्र शासित प्रदेश की नई नई भर्ती एडमिट का रिजल्ट आंसर की जैसे अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू आज फिर से आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, आपको जानकारी दी जाती है और आपको यदि सरकार देगी रोजगार तो हम आपके लिए हर रोज देंगे नई नई वैकेंसी एडमिट कार्ड का समाचार। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की जो वैकेंसी है उसकी जानकारी देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है फ्रेंड्स, कौन से पोस्ट के लिए है, कितनी पोस्ट है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये कौन से इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी कि SAVNIRTAR, ये वैकेंसी रिलीज की गई है। इस द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन विद डिजेबिलिटी तो ये दिया हुआ, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार के सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, कौन कौन से पोस्ट है जैसा कि इसमें क्लर्क, टाइपिस्ट, कंसल्टेंट के लिए, वर्कशॉप सुपरवाइजर कंसल्टेंट के लिए है और वोकेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ है, ये भी कंसल्टेंट है, और स्पेशल एजुकेटर के लिए है, और यह अकाउंटेंट के लिए है, और क्लिनिकल असिस्टेंट के लिए है, डेवलपमेंटल दिया है, थेरेपिस्ट कंसल्टेंट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दिया हुआ है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया हुआ है, ये दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है और फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये दिया है। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल रहेगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इसका अप्लाई करने के लिए ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए वो पेज ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई, इसमें देख सकते हैं कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और फ्रेंड्स इसको बता दें इसमें जो वैकेंसी रिलीज की गई है कितने पोस्ट के लिए है, इसमें लगभग 70+ पोस्ट के लिए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। अब इसकी डिटेल में जानकारी देते हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें स्टार्टिंग डेट ये 24 अप्रैल 2023 है यानी कि 24 अप्रैल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है 7 जून 2023 है। तो देखिए इसके देख लेते हैं, ये देखिए दिया हुआ डिटेल भी यहाँ पे जानकारी जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है डिटेल में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च दिया हुआ है, यहाँ पे वही दिया है डिपार्टमेंट जो दिया हुआ है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है यहाँ देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। तो देखिए डायरेक्टर कंसल्टेंट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 पोस्ट है फॉर CRCSRE गुवाहाटी और बलंगीर, रांची एंड इम्फाल। मैक्सिमम एज जो दिया हुआ है 62 ईयर दिया, तो इसमें एज भी बहुत ही ज्यादा है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे रांची ये दिया हुआ है, जो गुवाहाटी, बलंगीर, रांची, इम्फाल ये आपके लिए जॉब लोकेशन दिया हुआ है और इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी 19,000 per month, तो सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त है 19,000 यानी कि 90,000 रुपये per month सैलरी आप समझ सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है आपके पास होने चाहिए, तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन एंड एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड विद 10 ईयर एंड एक्सपीरियंस रिसर्च और रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ डिजेबिलिटी और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया है PhD होना चाहिए। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स अगर इतनी सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है पर मंथ में, तो आपसे एक्सपीरियंस पे लिया जा रहा है 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपके लिए है, कौन से क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, रिहैबिलिटेशन के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में है। और देखिए सेकंड पोस्ट जो दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर PMR कंसल्टेंट के लिए यानी सलाहकार जो होते हैं
उनके लिए इसमें 3 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें भी ये जॉब लोकेशन बालंगीर, रांची, इम्फाल दिया है। मैक्सिमम एज 56 ईयर दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दिया हुआ है MBBS होना चाहिए, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, या डिप्लोमा इन PMR होना चाहिए, या पेड्रियाटिक्स से रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI RCI होनी चाहिए, या और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद MCI के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग आर रिसर्च इन ए रिलेटेड फील्ड। तो आपको टीचिंग का या आपको रिसर्च का यानी शोध में आपके पास एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए, और आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है यानी कि PhD इन द फील्ड आप रिहेबिलिटेशन विद पर्सन विद डिजेबिलिटी यानी कि PWD के क्षेत्र में आपके पास PhD किए हुए हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच के लिए दिया हुआ है, इनके लिए 3 पोस्ट दिया हुआ है आपको। यहाँ जॉब लोकेशन लगभग सभी के लिए सेम दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास PG होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाई RCI से, या आपका रजिस्ट्रेशन विद RCI से होना चाहिए, और यह मैक्सिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग रिसर्च इन रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। डिजायरेबल इसमें भी दिया हुआ है कि PhD इन द फील्ड आर रिहेबिलिटेशन पर्सन विद डिजेबिलिटी, तो इसमें भी रिहेबिलिटेशन से PhD है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल के लिए दिया हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कितने पोस्ट है इसमें, 3 पोस्ट दिया हुआ है, मैक्सिमम एज 56 दिया है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसमें, ये दिया है मास्टर डिग्री फिलॉसफी इन क्लिनिकल होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन ये दिए साइकोलॉजी फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बाई RCI ये होना चाहिए, या और साथ के साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RCI में, और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एंड रिसर्च के सेंटर रिसर्च के फील्ड में होना चाहिए, PhD होना चाहिए इसमें भी, आपके पास रिहेबिलिटेशन विद PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट के रिहेबिलिटेशन का आपके पास PhD हो तो भी ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। और देखिए फ्रेंड्स इसमें वीडियो लॉन्ग हो सकती है क्योंकि एक एक पोस्ट की जानकारी दिया जा रहा है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें भी आपके पास 4 पोस्ट दिया हुआ है, और देखिए मैक्सिमम एज 56 ईयर होनी चाहिए, और देखिए इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी 75,000 पर मंथ दिया हुआ है इस पोस्ट के लिए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर डिग्री इसमें होना चाहिए या MEd होना चाहिए, यानी कि मास्टर इन एजुकेशन से होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन फुल टाइम कोर्स होना चाहिए इन एनी कैटेगरी रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI, और देखिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RCI में, और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एंड रिसर्च फील्ड में, और साथ ही साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें PhD होना चाहिए इन फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन पर्सन विद डिजेबिलिटी। तो ये क्या है फ्रेंड्स, PhD रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी, यदि नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब यह है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए आपके पास PhD होना चाहिए इस फील्ड में। और देखिए लेक्चरर के लिए दिया हुआ लेक्चरर फिजियोथेरेपी से होना चाहिए आपके पास इस पोस्ट के लिए, दिया 4 पोस्ट दिया हुआ है, और ये मिनिमम 56 ईयर दिया हुआ है, और एक्सपीरियंस देखिए एक्सपीरियंस 3 ईयर होना चाहिए, और मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी से होना चाहिए, किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से फुल टाइम होना चाहिए। और देखिए इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया पजेसिंग एनी RCI रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन, तो RCI से रिकग्नाइज कोई भी RCI है उसके द्वारा आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और देखिए लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आपके पास 3 पोस्ट है इसके लिए, और इसमें भी एज लिमिट सभी के लिए लगभग 56 ईयर है, कुछ पोस्ट के लिए 62 ईयर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए सैलरी 60,000 पर मंथ दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फुल टाइम, तो इसमें आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए कौन से 6 फील्ड से या कौन से डिसिप्लिन से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग और रिसर्च के सेंटर में, और देखिए दिया हुआ है पजेसिंग एनी ये दिया रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी RCI से रिलेटेड कोई भी आपके पास रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और देखिए दिया एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें भी 56 ईयर दिया हुआ है इसमें एज, और दिया है इसमें सैलरी
50,000 पर मंथ दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हुआ एक्सपीरियंस इन एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या ऑटोनॉमस बॉडीज या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दिया हुआ है, सेमी गवर्नमेंट ये दिया हुआ है, क्वासी गवर्नमेंट, तो ये इसके पास आपके पास इन गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें से आपके पास ये होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस एस्टैब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव में। और देखिए दिया रिहैबिलिटेशन ऑफिसर के लिए दिया है, 4 पोस्ट दिया हुआ है, एज लिमिट 56 ईयर दिया हुआ है, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्क से या सोशियोलॉजी से, MDR से होना चाहिए या आपके पास साइकोलॉजी से या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 रुपये इसमें भी सैलरी है आपके पास। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री इन प्रोस्थेसिस ऑर्थोटिक्स से होना चाहिए, यानी कि इसमें आपका ग्रेजुएशन है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको RCI में, और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से। और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है जो असिस्टेंट कंसल्टेंट के लिए दिया, 4 पोस्ट दिया हुआ है, मिनिमम एज 56 ईयर दिया है, 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल असिस्टेंट के लिए स्पीच थेरेपिस्ट के लिए दिया हुआ है, 3 पोस्ट है और एज सभी में सेम आया, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास इसमें BSc होनी चाहिए, इसमें आपके पास स्पेशल इसमें ये जो दिया स्पीच एंड ये दिया HG से होना चाहिए। और देखिए दिया 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RCI से। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट पोस्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको बता दिया है कि क्लिनिकल असिस्टेंट के लिए आपके पास इसमें भी 3 पोस्ट दिया हुआ है, एज लिमिट 56 ईयर है, 50,000 रुपये सैलरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन से होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी से होना चाहिए, BOT जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ, इसी का शॉर्ट है फ्रेंड ये दिया, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी से होना चाहिए, बैचलर इन रिहैबिलिटेशन साइंस से होना चाहिए, BEd हो आपके पास, स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी ID होना चाहिए या स्पेशल लर्निंग डिजेबिलिटी SLD से आपके पास ग्रेजुएशन हो, या तो आपके पास BRM होना चाहिए, MR होना चाहिए, BMR, BRT दिया हुआ है, ये डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद RCI। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक मन में टिक करता होगा क्वेश्चन कि RCI क्या है, तो RCI वही चीज़ है फ्रेंड्स, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये दिया हुआ है। और देखिए अकाउंटेंट के लिए 3 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें भी एज लिमिट सेम दिया हुआ है, सैलरी 45,000 दिया हुआ है, और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए दिया हुआ है, लेखापाल जिसे कहते हैं, इसमें आपके पास कॉमर्स ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए विद हैंड ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एनी टैली होना चाहिए, यानी कि आपके पास इसमें आपको कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए विद टैली, जो टैली होता है सब्जेक्ट ना, एक कोर्स होता है कंप्यूटर का वो होना चाहिए, और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडिंग अकाउंट कैश इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश एक ऑटोनॉमस बॉडी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग सेमी गवर्नमेंट से या क्वासी गवर्नमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डिजायरेबल दिया MCOM यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स या MBA होना चाहिए फाइनेंस से, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए दिया, इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ 7 पोस्ट दिया हुआ है, और इसमें देखिए अलग अलग दिया हुआ है, 2 पोस्ट ईच CSR बालंगीर से दिया हुआ है ये, तो इसमें 45,000 रुपये सैलरी है। एजेंसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए इसमें होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा होना चाहिए या BEd होना चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन विद RCI से होना चाहिए, डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन MEd हो इन स्पेशल एजुकेशन से, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए वोकेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए दिया 3 पोस्ट है, इसमें भी सैलरी इसमें 45,000 है,
और इसमें भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए हायर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन वोकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग DED BED DED या BED होना चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन इक्विवेलेंट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI। तो इसमें क्या होना चाहिए, हायर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और हाई स्कूल के साथ साथ ये दिया है, या आपके पास DED होना चाहिए यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, या बैचलर डिग्री इन एजुकेशन से होना चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए, ये 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डिजायरेबल दिया है ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा वोकेशनल ट्रेनिंग का होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग को क्या होता है फ्रेंड्स, जिस प्रकार के आप देख सकते हैं ये जैसे ITI होता है, इसी प्रकार ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। वर्कशॉप सुपरवाइजर के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है, 35,000 सैलरी दिया हुआ है, इसमें 10+2 होना चाहिए, ये दिया है। कौन से पोस्ट के लिए है, वर्कशॉप सुपरवाइजर के लिए मात्र इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए या और साथ ही साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको प्रोस्थेटिस्ट या ऑर्थोटिक से होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए इसमें एक्सपीरियंस हर पोस्ट के लिए रिक्वायर किया जा रहा है, कलर टाइपिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ देख सकते हैं 3 पोस्ट दिया हुआ है और इसमें मैक्सिमम 56 साल दिया हुआ है और सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न्ड एरिया से। तो फ्रेंड्स इसमें ये देख सकते हैं कलर के लिए हाई स्कूल मात्र पास मांगा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ देख सकते हैं कि 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। ये था फ्रेंड्स इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिटर्न एग्जाम आपका होगा, एग्जाम पैटर्न की जानकारी दें तो इसमें देखिए रिटर्न एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ टाइप का, 80% वेटेज होगा टोटल मार्क्स, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 10% और डिजायरेबल एक्सपीरियंस के लिए दिया हुआ है ये 10%। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इस प्रकार आपका होगा, रिक्रूटमेंट का सीरियल नंबर दिया हुआ वेटेज के लिए, इनकेस दिया हुआ इन केस वेयर नो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज ए प्रिस्क्रिप्टिव RRS 100% वेटेज विल बी गिवन रिटन टेस्ट। तो ये दिया हुआ है जानकारी, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है इसमें जो भी है टर्म एंड कंडीशन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.recruitment.svnirtar.nic.in। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी समली रिजेक्टेड। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा जा रहा है कि फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च में ये दिया है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे विजिट कीजिए और फॉर्म को कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा, और यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होता है, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द इंस्टीट्यूट रिजर्व्ड द राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट पार्ट देयर ऑफ विदाउट अगेंस्ट रीजन। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रो ऑनलाइन इज 7th June 2023। तो इसमें लास्ट डेट जो दिया है 7 जून 2023 है, तो आप यहां तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये आपको बता दिए हैं। कंप्लीट कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद रिलेवेंट एनक्लोजर शुड रीच द डायरेक्टर स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च ओल्ट। ये दिया ओलटपुर पोस्ट, ये दिया BAI बायरोई डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा, पिन कोड नंबर ये दिया हुआ, और बिफोर 7 जून द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, एनी करिकुलम रीजन एडवर्टाइजमेंट आर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट विल बी पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट। ये दिया हुआ है कटक ओनली ड्यू टू कोर्स कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट आवर वेबसाइट रेगुलरली अपडेट फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसमें आगे की जानकारी लिए यहाँ पे आपको विजिट करते रहना है। ये दिया मेन नोटिस एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव वेबसाइट ये दिया हुआ है, वेबसाइट के लिए ये जानकारी, फाइल के लिए नंबर ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जो कंप्लीट कॉपी होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के फिल होने के, उसकी कंप्लीट ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन जो होगा उसका, और जो भी आपका
प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा अलॉन्ग विद रिलेटेड इंक्लोजर, यानी कि शुड रीच द, तो यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको और जो उसमें जो पोस्ट जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उसकी फोटोकॉपी आपको करके लेके हार्ड कॉपी को उसको एक लिफाफे में फिल करके यानी एनवेलप में क्लोज करके आपको ये दिया हुआ एड्रेस यहाँ पे आपको सेंड करना होगा। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा 17 जून 2023 के पहले पहले आपको यहाँ पे करना है। और ये दिया एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन है शुड बी सुपरस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इस प्रकार यहाँ पे पोस्ट का नाम भी यहाँ पे देना होगा और उसके बाद यहीं पे सेंड करना होगा। तो ये था फ्रेंड्स आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जिस भी पोस्ट के लिए उसके सामने भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहां भी दिया हुआ अप्लाई नाउ, तो यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहां रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये दिया हुआ सारा कुछ फिल करना होगा, बेसिक डिटेल जैसे कि आप कंफर्म पासवर्ड है, पासवर्ड यहां पे आप अपने आप जनरेट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम दिया है, मिडिल नेम, यहाँ पे सब कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ इसे फिल करना होगा। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे करेंगे तो आपको अपने ईमेल आईडी पे और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको ईमेल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल मिल जाएगा। और जैसे ही आपको पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आपको पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसी बेस्ड पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि वीडियो बहुत ही बोरिंग है, बहुत लॉन्ग हो जाती है, लेकिन यदि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना है तो प्लीज आप हमेशा बने रहिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलती है। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।